आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं टेक्नो गेमर से, यानी कि उज्जवल से। ये बता रहे हैं कि यूट्यूबर्स एक्चुअल में कमाते कितना है। Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अनदर इंटरव्यू ऑफ एबीपी न्यूज। तो मुझे बताइए कि अभी फिलहाल गेमिंग की दुनिया में क्या हाल है, क्या माहौल है? बिकॉज जब पैंडेमिक शुरू हुआ था तब बहुत जबरदस्त बूम मिला था। स्टार्टिंग में पैंडेमिक से पहले तो बहुत ही ज्यादा बूस्ट पे था ई स्पोर्ट्स वगैरह के, इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट हो रहे थे। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो पेरेंट्स का माइंडसेट था वो प्रॉपर चेंज हो रहा था गेमिंग को लेके, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी यही थे कि हाँ नहीं खेलना, मतलब प्रॉपर यही लगता था कि गेमिंग क्राइम टाइप है, अगर बच्चा करेगा तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इन ईयर्स से कम के बच्चे ना खेले तो वो चीज मैं मानता हूँ, क्योंकि अब मतलब कि पैंडेमिक से पहले आपको पता होगा गेम बैन हो गया था, जो कि अपना पबजी था जिसने सबसे बड़ा बूम दिया है। बिल्कुल। तो उसके पीछे का रीजन यही था कि काफी कम एज के बच्चे खेलने लग गए थे, बहुत पैसा उस पर लगाने लग गए थे, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खेलने की वजह से उन्हें हेड एक और भी स्टडी को लेकर काफी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। ये है मेरा गेम गोट सिमुलेटर, जो कि इस टाइम पे पता है आपको, मेरे पास एक अच्छा पीसी भी नहीं था और मैं ऐसे मोबाइल्स में गेम खेलता था। एंड ये देखो अभी मैं मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ और मैंने प्रॉपर से एडिट करके लगाया। लेकिन ये जो थप्पड़ की आवाज थी वो आपने डाली थी वाकई में इस गेम में? बिकॉज वो इसका यू नो एक्स फैक्टर। मैंने डाली थी ऊपर से, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे अच्छा दिखाने के लिए हरकतें जो पसंद आती है हमें, तो वही सब डाल दिया। सब मूवीज में देखा कहीं दिखा रहे पंच वंच का साउंड, कुछ ना कुछ ऐसी मस्ती एडिटिंग में। अच्छा, आप बात करते हैं इनके मंथली इनकम के बारे में। उज्जवल महीने के लगभग 30 लाख से 35 लाख रुपए कमा लेते हैं। ओ भाई साहब, ये वीडियो मैंने देखा था, ये वीडियो मेरे को मेरे भाई ने दिखाया था, छोटे भाई ने। मैंने कहा अच्छा जी, मतलब ये एक से कहीं 5 बिलियन अच्छा ये ईयरली आ रहा है। ओ भाई, ये मैंने सवाल इससे पूछा बिकॉज कई सारे फैंस या कई सारे नॉर्मल लोग भी वो मेहनत नहीं देखते हैं जो आप लोगों ने की है। वो डायरेक्ट उनको ऑब्वियसली ऊपर की चीज दिखती है, सक्सेस दिखती है, और उसके बाद ऐसे वीडियोस आते हैं। कोई भी मेहनत करेगा तो इसे अचीव कर सकता है। एक चीज है, थोड़ा सा ये रॉन्ग है मतलब, बट हाँ कि आसपास कह सकते हो। अगर ओवरऑल देखा जाए कि जैसे क्या होता है ना, एक्चुअल बंदे ये सब जानने के लिए सॉफ्ट मतलब जो एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट्स वगैरह होती हैं वो यूज करते हैं, तो उस पर ऐसा दिखाता है। बट ना क्या होता है, वो सेट होता है अमेरिकन ऑडियंस के हिसाब से, बट आपको पता होगा इंडिया का उसके हिसाब से वो सीपीएम बहुत कम है। Obviously, because हाँ, तो आप डॉलर्स और रुपीस को करते हैं कैलकुलेट। वही तो। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ जानने को मिला, नई चीजें जो हम शायद नहीं जानते।